दशहरा, धनतेरस और दिवाली के त्यौहार अपने साथ लेकर आते हैं हर्षोल्लास, प्रेम और उत्साह। लोग इस समय अपने सभी गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। लेकिन त्योहारों के इस सीजन में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो है जुए का खेल। धनतेरस के मौके पर धन इकट्ठा करने और बांटने का पुरुषों के पास ये सबसे बड़ा बहाना होता है। गली मोहल्ले के पुरुष से लेकर बुजुर्गों तक त्योहार के मौके पर आपको जुआ खेलते मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके इस शौक का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? हमने महोबा जिले के कुल पहाड़ कस्बे से कुछ लोगों की जुए को लेकर राय जानी, तो चलिए आप भी सुनिए कि इन लोगों का क्या कहना है। बहुत बड़ो तकदीर आजमाउद बोलो, हमें खूब बड़ी धन दौलत आ जाए है सबकी, घर घर की जितने जे को जात है गो मनी टनहा सो सब हमारे लोग आ जाए है 20% पे देव रुपये ले रुपया और बस हम पे ले और बस हमारे फिर देव। अगले ज़्यादातर आदमी खेल रहे, लोग आई खेलती सो आदमन हानि मारती हैं, अकेले आदमी से लठ दिखाओ सीधो बिल्कुल। कैसे दिखाओ? तोरे बाप को खेल रहे का हम, तोरे बाप को आका कहते अपने बाप से ले आई थी खेल रहे, हमें तो खूब खेल रहे। जा आदमी है ना सोच चाहिए कि नहीं हम ना खेले भी है जो ना सब हम करें, गलत बात है। ज्यादातर किस समय खेलते हैं? यही दीपावली की धनतेरस में, धनतेरस में दीपावली है, दशहरा से बिल्कुल शुरू ही कर दी, रुपया आ जात डट के गरीब आदमी के, सो बड़े बड़े आदमी लग जात बोले चल यार खेल, अकेले थोड़ी खेल पाएगा। चार आदमी होते हैं। कितनी देर खेला तू? घंटा दो घंटा बस, बस दिन भर नहीं अपनी बस, सब बाँच के है बहुत जुलम है उसमें। हाँ लेकिन मानते तो नहीं है? मान नहीं है, बस वही तो बात है भाई। गरीब आदमी जुआ खेलता है वो बर्बाद हो जाता है। जैसे गरीब आदमी दिन भर मजूरी करके आया, उसको 500 रुपया मिले जुए हार को, तो घर में कहानी खराब हो गई, आटा नहीं है गल्ला नहीं है कलकल होती है। जी जुआ आदमी जो खेलते हैं वो बड़े लोगों का है, जैसे बड़े आदमी बैठ गए ये करोड़ों रुपए आए वो लोग खेलते हैं। जुआ में कहीं कोई सार सोई है? जैसे उनने कहा धनतेरस को बहुत बड़ा महत्व है, जो बूढ़े पुराने कह गए, बूढ़े पुराने कह गए तो बूढ़े पुराने भी हमारे कभी जुआ नहीं खेलते थे। जब जुआ खेलते थे हमारे 100 रुपया चले जाए तो जे लगेगा तू के इसके टिटुआ पकड़ के पैसे छुड़ा ले अपने, ये 100 रुपया कहाँ से आए। तो जब ही से मैंने टोटल करीबन 30 साल 35 से जुआ खेला ही नहीं। जुआ अगर पुरुष खेले तो ठीक है, लेकिन वही जुआ अगर महिलाएं खेलती पाई जाए तो उन पर समाज ताने कसने लगता है। अरे भाई ये भेदभाव कैसा। कुछ ऐसा ही हुआ कुल पहाड़ की एक महिला के साथ। इसका जो ही है कि कभी हान कभी लाभ होती है, और है जो बदनामी है बुराई है वो अच्छा भी होता है किसी का, किसी को घर भी मिट जाते हैं इस सीजन में। आपने भी कभी अपनी किस्मत? हमने किस्मत अजमाई थी 2-3 साल हो गई जब अजमाई थी, ऐसी बच्चन में बैठे थे तो बैठे बैठे सो हमने 100 रुपया से अजमाई थी, तो अभी हमारे चले गए थे, फिर हमें उसको धक्का सो लगो तो हमने उस दिन से कान पकड़ लिया कि अब नहीं खेलें ये चीज़ें गलत हैं। जैसे शादी ब्याह बच्चा हो गए सियाने तो उनकी वजह से भी डांटते हैं, और लड़कियां ना आके तुम्हारी माँ जुआ खेलती है अच्छा नहीं कहते हैं, तो बेटियां खुद कहती कि माँ तुम्हें शर्म आओ चाहिए मत खेलियो, हम की बेटा ऐसे जीवन में ना खेले इसलिए छोड़ दिया। अरे पुरुष को ऐसा कहते हैं लोग कि महिलाओं को ही कहते हैं? महिलाओं को बोलते हैं, पुरुष को तो ऐसे भी तो खेलते हैं चाहे समाज में चाहे जहाँ बैठ जाते हैं। महिलाओं को बोलते हैं कि देखो तो भैया फलाने के घर से जुआ खेलती बैठी थी वहाँ तो अच्छा नहीं कहा। तो जब आप जीत गई थी हाँ तो उस समय किस तरह? उस समय इतना अच्छा लगो तो हमें हाले फूले ही समाज तेरे 200 रुपया जीत ले आए, साग ले आए, सब्जी ले आए, कहूँ तेल ले आए, कहूँ आटा ले आए, जब अच्छा लगा। तो अब है जो जब खुद गांठ के चले गए तो अब धक धक लगता है, इसलिए छोड़ दो बिल्कुल से। औरत को देखते हैं जैसे खेलती हैं बैठी हैं तो उनको मुँह मोड़ के पीछे से देखा जे हैं, आप उसमें हंसते जाते हैं कि देखो कैसे खेल रहे हैं जुआ हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, बात बुराई बोलते हैं भलाई नहीं इसमें है। तो देखा आपने धनतेरस दिवाली के दौरान खेले जाने वाले जुए के बारे में लोगों की अलग अलग राय। हमारा तो ये मानना है कि त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाया जाना चाहिए,
मिठाइयाँ खाइए, गले मिलिए, खुशियाँ बांटिए और फिर देखिए अपनों के चेहरों पर आने वाली मुस्कान आपको हर धन दौलत से बेहतर लगने लगेगी। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।